यह सच बोलना चाहिए। और अगर एक नहीं रखते हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी, नो आप डिबेट में गृह मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, शोर शराबा कर इतने बड़े वाक्या को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को, हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर SGPC का मत वो ले ले। और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है, आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है, लाखों लोगों को जेल में डाला है। और आतंक, वैचारिक आतंक अगर कभी था, वैचारिक आतंक कभी था तो आपता आपातकाल के वक्त था। और मान्यवर, दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ, आज वो भय की बात कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि श्री राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए, न केवल सदन, पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए। मेरा व्यवस्था का सवाल है, इस सदन के नियमों की पुस्तिका, इससे कुछ सदस्यों को क्या मुक्ति दे दी गई है? आपके गाइडेंस के बाद भी बार बार तस्वीर बताना, पूरे BJP को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्तधुन करना, सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं? नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब, सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। ये सदन, मेरा आपसे आग्रह है कि ये सदन ऑर्डर में रहना चाहिए, नियमों के अनुसार रहना चाहिए, ये हम सभी सदस्यों का आपसे विनंती है। अब सदन के सामने दो स्टेटमेंट हुए, एक हुआ विपक्ष के नेता का, दूसरा हुआ माननीय राजनाथ सिंह जी का, रक्षा मंत्री जी का। ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है। श्री राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को, जो शहीद होता है, उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए। मान्यवर, ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है। मान्यवर, यह सच बोलना चाहिए। और अगर
एक नहीं रखते हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते हैं अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए। माननीय मान्यवर में लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश की पुस्तिका का 10वें संस्करण का 115वां आपके सामने उल्लेखित करना चाहता हूं। इसके क से घ तक पढ़ेंगे तो ये बहुत स्पष्ट है कि कोई भी मंत्री या सदस्य भाषण देते वक्त तथ्यात्मक चीजें रखता है और सदन के कोई और सदस्य इसको ऑब्जेक्ट करते हैं या चैलेंज करते हैं तो आसन इसको सत्यापित करने का निर्देश दे सकता है। मान्यवर, विपक्ष के नेता ने भाषण में कई चीजें ऐसी रखी जो तथ्य नहीं है, सत्य नहीं है, और समय समय पर यहां से ट्रेजरी बैंक में सत्यापन की मांग की। हम सब की ओर से मेरा आपसे निवेदन है कि इनकी स्पीच और ट्रेजरी बैंक से लिए गए सारे ऑब्जेक्शन को ध्यान में रखकर नेता प्रतिपक्ष को अपने भाषण में तथ्य बगर की और सत्य न हो ऐसी जो बातें रखी गई है इसका सत्यापन करने के लिए आपका निर्देश मिले और हमें संरक्षण मिले। सत्यापन करेंगे।